स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दतिया शहर एक ऐसा प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में वर्णित है, जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। महाभारत काल में इस शहर को दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था और इस शहर की स्थापना 1626 में महाराज बिरसिंह देव ने की थी। दतिया शहर अपनी परंपरागत शैली के मंदिरों, हवेलियों और महलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया गुजरा अभिलेख इसी शहर से प्राप्त हुआ था और मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका भी इस जिले में ही सन 1907 में बनाई गई थी। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी 15 अक्टूबर 2015 को सर्वप्रथम इसी दतिया जिले से ही हुई थी। दोस्तों, अगर दतिया जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो इस शहर का क्षेत्रफल है 2902 वर्ग किलोमीटर और साल 2011 के मुताबिक इस शहर की आबादी लगभग 1 लाख है। अगर बात करें जिले की अर्थव्यवस्था की तो इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यह शहर सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और उद्योग के लिए जाने जाते हैं और इस जिले में गेहूं, ज्वार, कपास आदि की खेती होती है। दोस्तों, आज दतिया शहर को लघु वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पौराणिक मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर, सरोवर और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध शहर रहा है। यहाँ कई मंदिर हैं, जैसे अवध बिहारी मंदिर, शिवगिर मंदिर, विजय राघव मंदिर, गोविंद मंदिर और बिहारी जी मंदिर यहाँ पर काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, इसके अलावा दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ भारत के सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालु की तादाद बहुत अधिक होती है। कहा जाता है कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसी कारण दतिया जिला पीताम्बरा देवी की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और पीताम्बरा पीठ के निकट बना राजगढ़ महल राजा शत्रुजीत बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यह महल बुंदेली भवन निर्माण शैली में बना है और इस स्थान पर भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। दोस्तों, इसके अलावा भी रतनगढ़ माता मंदिर दतिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सन 2015 में भारत का सबसे बड़ा घंटा इस मंदिर पर स्थापित किया गया था। इसे 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है। इस घंटे की खासियत यह है कि इसको कोई भी बजा सकता है, चाहे 4 साल का बालक हो या 80 साल का कोई बुजुर्ग। इसके साथ ही आप यहां के सोनागिरी एक पहाड़ी पर बड़ी संख्या में जैन मंदिरों का घर है जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये जैन धर्म मानने वाले लोगों के बीच ये स्थान बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि यह वो स्थान था जहां लाखों संतों ने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी पहाड़ी पर एक या दो नहीं बल्कि 77 मंदिर है। दोस्तों, इनके अलावा भी दतिया में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है जहाँ आप जा सकती है और उनमें से एक है दतिया महल, जिसे बीर सिंह महल या बीर सिंह देव महल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित यह महल 7 मंजिला का है। इस ऐतिहासिक महल को विशेष रूप से राजा बीर सिंह देव द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था, इसलिए ये किला बीर सिंह देव और जहांगीर की दोस्ती का गवाह है। इसके अलावा भी यहाँ पर श्री शांतिनाथ टेम्पल, राम जन्मभूमि मंदिर और गोविंद सागर झील जैसे प्रमुख स्थान है जहाँ आप जा सकती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।